अस्सलाम वालेकुम, एसएस लाइफ में खुश आमदीद। अच्छे से मौसम के साथ अच्छी सी खबर, एक मैं अच्छा सा गला लेके आई हूँ आपके लिए। ये देखिए, इस तरह ये आप 8-9 इंच लंबी डोरियाँ तैयार कर लें। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कितनी बनाएं, जितना आपका गला है उस हिसाब से आप इनको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं थोड़ी बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने आधा निशान लगा के तो आधा सर्कल बना लिया, उसके बाद दूसरी साइड का सर्कल बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये सर्कल बना के तो उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे तो ये ऐसे चिपक जाएगा। ये देखिए, इस तरह से उसको घुमा के हम सेंटर में ले आएंगे और इसको सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से एक और फिर एक और। ये देखिए, ये आधा किया, इसको आधा निशान लगा लिया। अब आधा सर्कल एक रुख का बनाना है और आधा सर्कल दूसरे रुख का बनाना है। इस तरह से आप इसको घुमाते जाएँ, ये देखिए, और इसको सिलाई लगा दें। टांका छोटा रखें ताकि सारी लाइनों के ऊपर सिलाई आ जाए। अब दूसरे रुख का घुमाएं और इसको भी सिलाई से काबू कर लें। तो इस तरह से ये दो सर्कल अटैच होते जाएंगे। इस डिज़ाइन का ये फ़ायदा है कि आपको कोई सिरा इसमें नहीं रखना पड़ेगा, दोनों सिरे आपके अंदर ही छुप जाएंगे और ये गोल दायरा जो है ये कपड़े पर अटैच करना आसान होगा। इस तरह से इसको घुमाते जाएँ, आधा एक रुख का घुमा लें और आधा दूसरे रुख का घुमा लें। अब इस तरह से मैंने ये तकरीबन 6 पीस तैयार किए हैं। तकरीबन 8-9 इंच लंबी डोरियाँ थी तो उनसे ये छोटे सर्कल बन गए हैं। अगर आप बड़े सर्कल बनाना चाहें तो आप डोरी लंबी भी ले सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, आगे आप अपनी मर्ज़ी से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं, आप कम कर सकते हैं, छोटे कर सकते हैं, बड़े कर सकते हैं, जिस तरह आपको मुनासिब लगे। ये देखिए, अब 3 पीस यानी 6 सर्कल जो हैं वो मैं गले के दाएं तरफ लगाऊंगी और 6 सर्कल जो हैं यानी 3 पीस जो हैं वो मैं गले के दूसरी साइड पे लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से ये इनको गले के साथ साथ मैंने अटैच कर लिया। ये देखिए, इस तरह से इनको अटैच कर लिया। अब दूसरे रुख पे अटैच करूँगी, ये भी इसी तरह सेंटर से लगाना शुरू करूँगी और ये देखिए, इसको मैं ऊपर तक ले जाऊँगी। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन समझ आ गया होगा, पसंद भी आएगा और आप ज़रूर अपने कपड़ों पे इसको ट्राई करेंगे। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत खूबसूरत लगता है। और इसको आप बाजुओं पे भी बना सकते हैं और ट्राउज़र के पांचों पे भी बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दुआओं में याद रखें, मेरा मकसद सिर्फ आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाना है। उम्मीद है आप पसंद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।